यूनिवर्सिटी की रैंक 800-900 के आसपास आ रही है भैया, 850 के आसपास आ रही है, तो कोई बात नहीं, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। हाँ जी, आपको अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग चाहिए, इस एरोस्पेस का काफी ज्यादा इधर करेज रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, भैया मेरे को एरोस्पेस मिले, साइंटिस्ट बनू, अब्दुल कलाम बनू, चांद पर जाऊं, कोई बात नहीं, वो थोड़ा कठिन है, उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 700 के आसपास रैंक लाना पड़ेगा भैया, 750 के आसपास, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। SC ST OBC वाले कैटेगरी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा रैंक के अंदर डिस्काउंट मिलेगा आपको। हाँ जी, वैसे अगर आपका JEE एडवांस के अंदर रैंक आ रहा है 8000 के लगभग, 7000 के लगभग आपका अगर आता है तो आप IAST के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हाँ जी, तो ये था IAST का प्रोसेस। वैसे IAST के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हो तो हमारा एक न्यू वीडियो है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, या इसरो का नया प्रोजेक्ट IAST कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे रन हुआ, कैसे कैसे साइंटिस्टों ने स्टार्ट किया, बड़ी मस्त कहानी है, आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। आपको भी अगर इश्यू आ रहा है भैया, हाँ जी, IAST से BTEC करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, IIT के अंदर तो इतना बड़ा बड़ा पैकेज मिल रहा है, अब क्या IAST में भी मिल पाएगा, हाँ जी, या फिर अदर इंस्टीट्यूट भी तो है, आईसर है, नाइसर है, IIT है, NIT है, हमारा लल्लू लाल कॉलेज है, हाँ जी, चंगू मंगू कॉलेज भी है आपके पास, उसके बाद में बहुत सारे और भी देश के अंदर पत्थर फेंक के मारोगे वहीं पे कॉलेज मिल जाएंगे, हम कौन सा लें, कोई बात नहीं, इसके लिए आपके पूरा कंप्लीट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बनाया है, इसमें आप लोग जरूर से जा सकते।